सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेला और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले एक नया टॉपिक है जो हमारे पास होगा, पार्टनरशिप फर्म्स। तो इसमें देखिए क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म्स है वो किस एक्ट के अंदर आती है, वो हमारे पास आया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद माइनर कैन बी एडमिटेड द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। पहले हमने पढ़ा था कि माइनर जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या पार्टनरशिप में नहीं जा सकता, लेकिन वो पार्टनरशिप में कब जा सकता है, जब बाकी सभी जो पार्टनर्स है उनका कंसेंट मिल जाए, यानी कि उनकी अनुमति मिल जाए कि वो इस पार्टनरशिप में आ सकता है, तब वो किसी जो माइनर है किसी पार्टनरशिप में उसके बेनिफिट्स ले सकता है। ही इज नॉट पर्सनली लाइबल, और वो किसी भी चीज़ के लिए पर्सनली लाइबल नहीं होगा, बट हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी इज लाइबल, और जो उसके शेयर है प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ वो ही उतना ही वो लाइबल होगा, पर्सनली लाइबल नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन में देखिए क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन इज डन विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। जो फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके साथ होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के द्वारा। बैंक्स नॉर्मली डू नॉट ग्रांट एनी टाइप ऑफ क्रेडिट, और जो बैंक्स हैं वो कोई भी क्रेडिट नहीं देते, कोई भी क्रेडिट ग्रांट नहीं करते टू नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स। जो नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स हैं उनको कोई भी क्रेडिट जो बैंक्स हैं वो नहीं देते, बिकॉज दीज फर्म्स कैन नॉट एनफोर्स एनी सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज। क्यों? क्योंकि जो नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स हैं वो कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकती किसी भी थर्ड फर्म के ऊपर, तो इसलिए जो बैंक्स हैं वो कोई भी लोन उनको ग्रांट नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10। और बैंकिंग बिजनेस की बात करें तो बैंकिंग बिजनेस में हो सकता है 10 मैक्सिमम, और बैंकिंग बिजनेस से अलग हो सकते हैं 20 मैक्सिमम। उसके बाद एज पर द न्यू कंपनीज बिल 2013, द नंबर ऑफ पर्सन इन एसोसिएशन और पार्टनरशिप नॉट एक्सीड 100। तो जो न्यू कंपनी एक्ट था 2013, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में 100 से ज़्यादा पर्सन नहीं हो सकते। नेक्स्ट है एच यू एफ कैन नॉट बी ए पार्टनर। जो एच यू एफ है, जो हमने पढ़ा था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो पार्टनर नहीं बन सकता। हाउएवर सिंस द कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन जो कंपनी है, अब देखिए लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होगा कि एक तो कंपनी होगी और उसके अंदर मेंबर हो गए, तो वो मेंबर ही कंपनी नहीं है, कंपनी की एक अलग एंटिटी होती है। इट कैन बिकम द पार्टनर इफ़ परमिटेड बाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कि वैसे तो एच यू एफ जो पार्टनर नहीं बन सकता किसी भी फर्म में, हमने पढ़ा था, लेकिन क्योंकि जो कंपनी है उसकी एक लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो इस कारण अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसको परमिट करता है तो वो उसके अंदर पार्टनर बन सकता है। तो और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है ये भी हम इस आने वाली वीडियो में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर सेक्शन 91, द एक्ट ऑफ ए पार्टनर टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म इन ए यूजुअल वे, कि जो सेक्शन 91 है, अंडर सेक्शन 91, तो एक्ट ऑफ पार्टनर क्या होता है कि बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाना, बाइंड द फर्म और फर्म को बाइंड करता है, एंड ए पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, और जो पार्टनर होता है वो कौन होता है, वो उसका मालिक नहीं माना जाता, वो माना जाता है उसका एजेंट। जो अंडर सेक्शन 91 में बताया गया कि जो पार्टनर होता है वो जो फर्म है उसका एक एजेंट माना जाता है, और उसका काम क्या होता है, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, और वो किस लिए वहाँ पे नियुक्त किया जाता है कि जो बिजनेस है फर्म का वो काम करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास अंडर सेक्शन 18 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ फर्म फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस। हमने पढ़ लिया कि जो जितने भी उसके पार्टनर हैं वो एक क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, जो कि फर्म का काम करने के लिए, बिजनेस का काम करने के लिए वहाँ पे होते हैं। सो एक्ट ऑफ पार्टनर इज नोन एज द एक्ट ऑफ फर्म, तो एक्ट ऑफ पार्टनर को हम एक्ट ऑफ फर्म भी बोल देते हैं, और दिस इज आल्सो नोन एज द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। उसके बाद हमारे पास है दिस रूल हैज सर्टेन एक्सेप्शंस कंटेंड इन सेक्शन 192,
द एक्सेप्शंस आर, तो इस जे जो ये रूल है उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट हमारे पास है ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, मॉर्गेज, गिविंग ऑफ गारंटी, एंट्री इनटू कॉम्प्रोमाइज, फाइलिंग ऑफ सूट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, विड्रावल ऑफ सूट और अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, ये सिर्फ हमने इतना ही पढ़ लेना है, इसके अंदर से डीप में से कुछ भी ज़्यादा नहीं आने वाला है। नेक्स्ट है ए स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर कैन नॉट कैन स्टॉप द पेमेंट ऑफ चेक, कि कोई भी स्लीपिंग पार्टनर है या फिर डोरमेंट पार्टनर है वो चेक की पेमेंट को रोक सकता है। लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स फॉर ए डिसऑनर्ड चेक। अब बात आती है कि अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसके लिए किस किस की लाइबिलिटी बनती है, तो इसमें हमारे पास है नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड डोरमेंट डायरेक्टर्स आर नॉट लाइबल फॉर द ऑफेंस, कि जो नॉमिनेटेड, इंडिपेंडेंट और डोरमेंट डायरेक्टर है या पार्टनर है वो चेक के डिसऑनर के लिए लाइबल नहीं होते, उसके ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होते। और ये जो बात है ये जजमेंट से निकल के आई है। उसके बाद ओनली द डायरेक्टर्स हु आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेक इशूड वुड बी लाइबल फॉर द क्रिमिनल एक्शन, और जो वो सिर्फ वही डायरेक्टर उसके लिए लाइबल होंगे जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि वो चेक इशू किया गया है, सिर्फ वही डायरेक्टर इसके लिए क्रिमिनल एक्शन के लिए लाइबल होंगे। इन केस ऑफ पार्टनरशिप ओनली द पार्टनर इन चार्ज वुड बी लाइबल फॉर द ऑफेंस, और अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो उसमें जो इंचार्ज होगा सिर्फ वही उस ऑफेंस के लिए लाइबल होगा। एमडी एंड जॉइंट एमडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी, जो एमडी होता है कंपनी का और जो जॉइंट एमडी होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिजनेस के, कंपनी के बिजनेस के लिए, एंड आर रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब वो भी जो डिसऑनर ऑफ चेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द न्यू कंपनीज बिल 2013, तो जो नया कंपनी बिल आया है 2013 तो उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास है मिनिमम, यानी कि मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड की अगर बात करें तो 2, और अगर पब्लिक लिमिटेड की बात करें तो 7। उसके बाद मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में 200 और पब्लिक लिमिटेड में कोई लिमिट नहीं होती। उसके बाद डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड में होते हैं 2 से 15 और प्राइवेट में 2 से 15 और पब्लिक लिमिटेड में होंगे 3 से 15 हो सकते हैं। और जो मैक्सिमम इसमें था देखिए 200, तो इसमें क्या होगा, एक्सक्लूसिव एम्प्लॉयज़, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ वी हु आर द मेंबर ऑफ द कंपनी, इसमें वो एक्सक्लूड हैं जो कि क्या होंगे, उसके मेंबर्स होंगे, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ होंगे। उसके बाद जो न्यू कंपनीज बिल है इट कंटेन्स 470 सेक्शन, इसके 470 सेक्शन हैं एंड 7 शेड्यूल्स हैं। इट शुड बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और इसको कहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। उसके बाद हमारे पास है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कोई भी पार्टनरशिप फर्म बनती है तो उसका एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, उसके कई चीज़ें बनाई जाती है, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए ये क्या होता है, MOA इज द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एंड इट इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो MOA है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का, जैसे मान लो इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो इसी तरीके से कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको बोला जाता है वो होता है मेमोरेंडम, और ये इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप को कंपनी और जो बाकी का जो वर्ल्ड है उसके बीच में, यानी कि इसमें सब कुछ बताया होता है कि जो कंपनी है वो क्या काम करेगी, कैसे करेगी, ठीक है। तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, इसका संविधान माना जाता है कंपनी का, पार्टनरशिप का। नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये भी हमने पढ़ा था। तो देखिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या AOA क्या होता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, एनी एक्ट डन बाय द कंपनी विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ AOA इज इंट्रा वायर्स, इंट्रा वायर्स कि जो
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो क्या है, ये इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी के। एनी एक्ट डन बाय द कंपनी विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एओ इज इंट्रावायर्स। इंट्रावायर्स होता है कि जो उसकी पावर में हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी करता है वो उसके पावर के अंदर होता है। और अगर बात करें कि वो अपने रूल रेगुलेशन से हट के कुछ करता है तो वो हो जाता है अल्ट्रावायर्स। उसका मतलब होता है कि अपनी पावर से अलग वो कुछ कर रहा है पार्टनरशिप या फिर कंपनी। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी बिगेंस विद द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट। यानी कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, इशू बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और जो लीगल एग्जिस्टेंस होती है कंपनी की, द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी बिगेंस फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट। जब जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है तब से उसकी लीगल एग्जिस्टेंस मानी जाती है। नेक्स्ट है डेथ ऑफ डायरेक्टर, कि अगर डायरेक्टर की डेथ हो जाए तो क्या होगा। डज नॉट अफेक्ट द ऑपरेशंस इन द अकाउंट। तो अगर किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो उससे जो कंपनी के ऑपरेशंस है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है वो किसी एक पर्सन की नहीं है, और जो कंपनी है उसकी अपनी एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो इसलिए किसी डायरेक्टर की डेथ होने पर कंपनी के ऑपरेशंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बैंकर कैन नॉट रिटर्न द चेक आफ्टर द डेथ ऑफ द डायरेक्टर। और अगर जो उसकी डेथ हो जाती है डायरेक्टर की, तो अगर उसके पास बैंकर के पास कोई चेक आता है तो उसको रिटर्न नहीं कर सकता, ये अगर उसको पता चल जाए कि डायरेक्टर की डेथ हो गई है। अगर वो जो चेक है वो ऑलरेडी साइंड हो तो वो जो बैंकर है वो उसको रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी डायरेक्टर की डेथ होने से कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी की एक लीगल एंटिटी होती है। उसके बाद है कन्वर्जन, ए चेक पेबल टू कंपनी शुड नेवर बी डिपॉजिटेड इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ डायरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी होगा कि कोई चेक अगर कंपनी के फेवर में दिया गया है, पेबल टू कंपनी है, तो वो चेक कभी भी किसी भी डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया जा सकता, एज इट वुड अमाउंट द कन्वर्जन अंडर सेक्शन 131 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 131 था उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्जन माना जाएगा, यानी कि वायलेंस माना जाएगा लॉ का, कि आप कंपनी के जो मनी को गैर कानूनी तरीके से अपने अकाउंट में डलवा रहे हो, तो ये कन्वर्जन माना जाएगा और ये एक जो पुनिशेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी ऑफ चार्ज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ एग्जीक्यूशन नॉन डे एंड नॉट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज। कि जो प्रायोरिटी ऑफ चार्ज है वो कब से डिसाइड की जाती है, वो डिसाइड की जाती है जब उसका एग्जीक्यूशन होता है, ना कि जो डेट ऑफ मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज है। और जो चार्ज है ये क्या होता है, ये भी हम इसमें आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें सेक्शन 262 वन पर्सन कंपनीज, यानी कि जैसे हमने पढ़ा अब तक पार्टनरशिप हमने पढ़ा था, तो इसमें आ गया वन पर्सन कंपनी जिसको हम ओपीसी भी बोल देते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, विच हैज ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर, यानी कि जिस कंपनी में सिर्फ एक पर्सन एज ए मेंबर, तो वो होती है वन पर्सन कंपनी। इट इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट कैन सेटअप द कंपनी और बिकम ए नॉमिनी फॉर सोल मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी। कि एक नेचुरल पर्सन जो कि एक इंडियन सिटीजन हो, इंडिया का रेजिडेंट हो, वो एक वन पर्सन कंपनी को सेटअप कर सकता है, या फिर उसके अंदर एक वो नॉमिनी भी बन सकता है। वन पर्सन वन ओपीसी इनकॉर्पोरेट, यानी कि एक पर्सन सिर्फ एक वन पर्सन कंपनी जो इनकॉर्पोरेट कर सकता है, यानी कि एक पर्सन सिर्फ एक ही बना सकता है। वन पर्सन कैन बिकम नॉमिनी इन वन ओपीसी ओनली, और एक पर्सन सिर्फ एक ओपीसी कंपनी के अंदर नॉमिनी बन सकता है। नेक्स्ट है एमओए, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड स्टेट द नेम ऑफ द पर्सन हु बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी आफ्टर द डेथ ऑफ द सोल मेंबर। यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जिसको कंस्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम कंपनी का, उसमें ये डिफाइन किया जाता है कि अगर जो
पर्सन है वन पर्सन कंपनी में, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उस कंपनी का मेंबर कौन बनेगा, ये सभी कहाँ पे लिखा जाती है, ये लिखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। नेक्स्ट है स्मॉल कंपनी। देखिए स्मॉल कंपनी क्या होगी, एक कंपनी अदर देन है पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी से अलग हम क्या बोल देते हैं स्मॉल कंपनी, विद पेड अप शेयर, और उसका शेयर कितना होता है, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रेट 50 लाख और हाइयर, सेल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ या 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और विद टर्न ओवर या फिर उसका टर्न ओवर कितना हो सकता है 2 करोड़ हो सकता है एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट, और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग रेट 100 करोड़, और उसका जो टर्न ओवर है वो 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको हम बोल लेते हैं स्मॉल कंपनी। नेक्स्ट है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी देखिए क्या होगा, एक कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड विच हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसका इस वक्त कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन उसकी हो रही है, या फिर उसको रजिस्टर किस लिए किया गया है, अब कोई भी कंपनी उसका नाम तो होगा, तो उस नाम को प्रिजर्व करने के लिए, उस नाम को सेफ रखने के लिए कि ये नाम कोई और ना ले ले, तो कोई पर्सन क्या करता है उस नाम से कंपनी अपनी खोल लेता है, लेकिन अभी वो उसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, या फिर किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कि ये फ्यूचर प्रोजेक्ट आने वाला है उसके लिए मुझे काम करना है, तो उससे पहले वो कंपनी खोल लेता है लेकिन वो फ्यूचर प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसको हम बोल देते हैं डोरमेंट कंपनी। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 8 कंपनी। तो इसमें देखिए क्या है, फॉर्म्ड बाई ए पर्सन और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज ए लिमिटेड कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी के बारे में क्या बताया गया है कि एक पर्सन के द्वारा बनाई जाती है या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन के द्वारा, और इसको कहाँ पर रजिस्टर किया जाता है, और टू बी रजिस्टर्ड एज ए लिमिटेड कंपनी, और इसको लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया जाता है। इट्स ऑब्जेक्ट्स द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर एटसेट्रा। और इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, प्रमोशन करना कॉमर्स की, आर्ट की, साइंस, सपोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल और वेलफेयर की। उसके बाद इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट एडिशन ऑफ द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, और इसको हम इनकॉर्पोरेटेड कर सकते हैं, और इसमें कोई भी वर्ड जैसे लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड रखने की लिखने की जरूरत नहीं होती। फर्म में बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन, और जो फर्म है वो मेंबर भी हो सकती है कंपनी की, और जो किसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखिए क्या होगा, द आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके जो आर्टिकल्स होते हैं, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमने पढ़ा था कि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो उसके पार्टनर वगैरह हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, यानी कि वो अपने शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को जो उसको नहीं दे सकते, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। और दूसरा इसमें है, इसके अंदर मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम हो सकते हैं 200 एक्सेप्ट इन ओपीसी, जो मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 200 है, लेकिन जो ओपीसी है वन पर्सन कंपनी उसमें 1 होता है, तो ये इसकी एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी। देखिए ये क्या होगा, मिनिमम 7 होंगे, मैक्सिमम होगी कोई लिमिट नहीं होती, मिनिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं 3 और मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं 15। उसके बाद वोमन डायरेक्टर की अगर बात करें, एटलीस्ट 1 वोमैन डायरेक्टर मैंडेटरी, कि कम से कम 1 वोमेन डायरेक्टर होना चाहिए, मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी, सभी लिस्टेड कंपनी के लिए, एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रेट 100 करोड़, और इससे अलग जो भी हमारे पास कंपनी है पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कितना है 100 करोड़ और मोर, और टर्न ओवर ऑफ रेट 300 करोड़ और मोर, या फिर जिसका टर्न ओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है। रेजिडेंट डायरेक्टर देखिए क्या होगा, एवरी कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर, यानी कि जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर एक इंडियन डायरेक्टर होना चाहिए
जो कि वहीं का रेजिडेंट होना चाहिए, या फिर उसको कम से कम 182 दिन 182 डेज प्रीवियस जो कैलेंडर ईयर है वो इंडिया के अंदर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पिछले लगभग 8, 9, 10 महीने से बाहर ही रह रहा है, उसको कम से कम 182 दिन इंडिया के अंदर रहना चाहिए या फिर परमानेंटली वो इंडिया के अंदर रह रहा हो, ऐसा उसका ट्रैक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस। ऑल कंपनी टू हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 15 डेज ऑफ इट्स इन कॉरपोरेशन, कि जब कंपनी ओपन हो जाती है, उसका काम शुरू हो जाता है, तो उसके 15 दिन के अंदर उसको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ओपन करना होता है। टू फर्निश वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस सेक्शन 77 to 87। तो देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस सबसे पहले होता क्या है, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का मतलब वो नहीं है कि आपने कंपनी बनानी है तो उसके ऊपर चार्जेस कितने लग रहे हैं रजिस्ट्रेशन के। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है आपके पास, तो अब कोई भी बड़ी कंपनी आपको पता है वो लोन लेके रखती है। अब जो लोन है वो लोन किसके ऊपर ले जाएगा, वो लोन अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर तो लेगा नहीं पार्टनर, वो लेगा कंपनी के एसेट्स के ऊपर, उसके प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो इनमूवेबल हो, तो उसके ऊपर वो क्या लेंगे, लोन लेंगे। तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि हमारी जो कंपनी है इसकी ये कोई प्रॉपर्टी है मूवेबल इनमूवेबल या कोई एसेट है, इसके ऊपर हमने इतना जो लोन लिया हुआ है, मान लो कोई गाड़ी है उसके ऊपर मान लो 2 लाख रुपए का लोन लिया है, या कोई मशीनरी है उसके ऊपर 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और उस रजिस्टर को कोई भी मेंबर है जो कंपनी का वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको देख सकता है। तो ये हो हमारे पास होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि कंपनी जो है कोई भी लोन लेती है तो जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर वो लोन ले रही है उसका एक रजिस्टर उसको मेंटेन करके रखना होता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, एज पर सेक्शन 77 इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर एनी चार्ज क्रिएटेड ऑन इट्स प्रॉपर्टी और एसेट सिचुएटेड इन और आउटसाइड द इंडिया विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यानी कि ये किसकी ड्यूटी है, ये जो बैंक करेगा लोन उसकी ड्यूटी नहीं, ये है कंपनी की ड्यूटी कि उसके ऊपर जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बनता है उसकी कोई भी प्रॉपर्टी चाहे वो इंडिया के अंदर हो कोई एसेट हो या उसके इंडिया या इंडिया से बाहर हो, तो उसका उनको एक रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज रजिस्टर बनाना पड़ता है उसका सारा का सारा और विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। उसके बाद है चार्ज होल्डर क्रेडिटर कैन अप्रोच आरओसी, यानी कि जो चार्ज होल्डर या फिर जो क्रेडिटर है जिसने लोन दिया है वो आरओसी के पास जा सकता है इफ़ द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 डेज, कि अगर जो कंपनी है वो फेल हो जाती है यानी कि वो नहीं कर पाती किस चीज़ को, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बनाना था रजिस्टर ऑफ चार्ज बनाना था उसको नहीं कर पाती विद इन 30 डेज, द पर्सन इन हुज फेवर चार्ज इज क्रिएटेड में अप्लाई टू द आर ओ सी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जिसके फेवर में जो चार्ज होता है वो उसका काम होता है कि वो उसके लिए अप्लाई करे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए अप्लाई करे टू द आर ओ सी। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, तो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज में क्या होगा, एज पर सेक्शन 79 एनी मॉडिफिकेशन इन द टर्म एंड कंडीशंस और द एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ ए चार्ज शैल बी रजिस्टर्ड एज द चार्ज रजिस्टर्ड इन सेक्शन 77, यानी कि कोई भी अगर मॉडिफिकेशन होती है तो वो भी उसके अंदर वहाँ पे जो मेंटेन करके रखी जाती है कोई भी टर्म एंड कंडीशन अगर चेंज होती है। उसके बाद रजिस्टर ऑफ चार्जिस, एज पर सेक्शन 81 आर ओ सी कीप्स ए रजिस्टर ऑफ चार्जेस इट कैन बी इंस्पेक्टेड बाई एनी पर्सन, कि जो सेक्शन 81 में बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो क्या करती है रजिस्टर ऑफ चार्जेस को मेंटेन करती है, यानी कि जितना भी लोन लिया गया है किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो लोन लिया गया है उसको मेंटेन करती है, और इट कैन बी इंस्पेक्टेड बाई एनी पर्सन, और इस रजिस्टर को किसी भी पर्सन के द्वारा इंस्पेक्ट किया जा सकता है जो कंपनी का वर्किंग आवर्स है उसके अंदर उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है। और ये रजिस्टर कब तक मेंटेन किया जाता है, जब तक वो
जो लोन चलेगा तब तक तो उसको लाइफ टाइम कम से कम मेंटेन करनी होता है। अगर लोन बंद हो जाता है तो उसके भी लगभग 8-10 साल तक उसको मेंटेन करके रखना होता है, वैसे तो नहीं तो इसको लाइफ टाइम इसको मेंटेन करके रखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 85 एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स RO एज ए रजिस्टर ऑफ चार्जेस विच कंटेन ऑल चार्जेस एंड फ्लोटिंग चार्जेस अफेक्टिंग एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी। यानी कि सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनी है उनको एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस बना के रखना होता है। कहाँ पे? इट्स RO यानी कि जो रेजिडेंट उनका ऑफिस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, वहाँ पे उनको एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस बना के रखना होता है। विच कंटेन, जिसके अंदर क्या होगा, सभी चार्जेस होंगे, कोई फ्लोटिंग चार्जेस हो गया, प्रॉपर्टी का कुछ भी है, एसेट के ऊपर जो भी लोन है, जो भी है, उस सभी का एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस बना के रखना होता है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, और उसको कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी मेंबर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। उसके बाद है पुनिशमेंट। एज पर सेक्शन 86 द कंपनी विल बी पुनिश्ड फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन इन द चैप्टर 4 विद ए फाइन रेंजिंग बिटवीन रेट 1 लाख एंड रेट 10 लाख। कि अगर इसे के कोई भी वायलेशन होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 86, तो अगर जो चैप्टर 4 में प्रोविजन्स दी गई है उनके अंदर कोई भी अगर रूल नहीं माना जाता है तो उस उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। कितना? 1 लाख से 10 लाख के बीच में। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पुनिशेबल, और जो उसके कंपनी के जो ऑफिसर हैं उनको पुनिश किया जा सकता है विद इंप्रिजनमेंट, उनको जेल भी की जा सकती है अप टू 6 मंथ, और विद रेंजिंग बिटवीन 25,000 to rate 1 lakh और विद बोथ। या तो उनको जेल हो सकती है 6 महीने की, या फिर उनको 25 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास पार्टनरशिप फर्क। ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद एक दो वीडियो और आएगी जिसमें ये जो हमारे पास पार्टनरशिप जो टॉपिक है वो ख़त्म होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।